हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना सिंह। मेरे चैनल द फूड प्लाजा में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मशरूम दो प्याजा। बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम, प्याज बल्ब में कटे हुए, ये 3 टमाटर की प्यूरी है, बारीक कटी हुई प्याज, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, तीखा लाल पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, ग्रेटेड जिंजर, ये दही है, ये जीरा, तेज पत्ता, कुछ गरम मसाला और ये गार्निशिंग के लिए है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर हम अपने ऑयल को डाल देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें प्याज के बल्ब को डाल दें, हल्का सोटे कर लें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। बल्ब्स के फ्राई होने के बाद इसे निकाल लें और उसी ऑयल में गार्निशिंग वाले सामान को फ्राई कर लें। इसे बाहर निकाल लें, थोड़ा और तेल डालें, हम अपने मशरूम को फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखें इसमें नमक का यूज ना करें। जब मशरूम गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उन्हें निकाल लें। कुछ इस तरह हम एक पैन लेंगे, उसमें ग्रेवी के लिए ऑयल डालेंगे, जीरा, गरम मसाला, तेज पत्ता डाल देंगे। जब जीरा चटकने लगे तब अपने महीन वाले प्याज को डाल दें। ग्रेवी का टोटल नमक मैंने अभी ही डाला है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। प्याज के हल्के ट्रांसपेरेंट होने के बाद आप जिंजर डाल दें। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप मसाले डाल दें, गरम मसाला को छोड़ के, तीखा आप अपने हिसाब से रखें। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें वरना मसाले जल जाएंगे। मसाले को 2-3 मिनट फ्राई हो करने के बाद टमाटर प्यूरी डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए मसालों को अच्छे से फ्राई कर लें जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। अब गरम मसाला को डाल दें। मैंने यहाँ 2-3 हरी मिर्च का यूज किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ताजा घर की दही है, इसे फेंट के आप डाल दें 2-3 चम्मच। ये नहीं सोचिए कि सब्जी खट्टी हो जाएगी टमाटर और दही की यूज से। कुछ देर फ्राई करने के बाद हम अपने मशरूम को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई मत करें। मशरूम को कुछ देर तक ग्रेवी में फ्राई होने दें, फिर आप प्याज वाले बल्ब को डाल दें, अच्छे से मिला दें हल्के हाथों से। ग्रेवी अच्छे से हर प्याज पे कोट कर दें।
अब इसमें थोड़े से पानी का यूज करें। मैंने यहाँ गर्म पानी का यूज किया है। गर्म पानी यूज करने से सब्जियों में टेस्ट अच्छा आता है, वो ग्रेवी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हमारी मशरूम दो प्याज लगभग तैयार है। अब आप ऊपर से कसूरी मेथी डाल दें। थोड़ी धनिया पत्ता डाल दें। अगर आपको ग्रेवी और चाहिए तो आप पानी और यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी ग्रेवी रेस्टोरेंट की तरह रखी है। चलिए आप अब मैं इन्हें प्लेट में सर्व कर लेता हूँ। किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाते समय जल्दबाजी ना करें, उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। चलिए हम अपने मशरूम दो प्याजा को गार्निश कर लेते हैं। ऊपर से मैंने चीज को ग्रेट करके डाला। चीज से सब्जियों में टेस्ट बढ़ जाता। तो चलिए अब तैयार है हमारी मशरूम दो प्याजा की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।